गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून सर, यस। गुड आफ्टरनून सर, यस। गुड आफ्टरनून सर, यस। गुड आफ्टरनून, वी आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। या सर, यस सर। गुड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी भी अपना कैमरा ऑन कर लें तो। नमस्कार, नमस्कार। आप लोगों को मेरा ईमेल मिल गया होगा एक? यस सर। मैंने आप सभी को एडवांस इंफॉर्मेशन, एक छोटा से इंटीमेशन भेजी है कि आप में से जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स अटेंड कर चुके हैं, आपका वाइवा एग्जामिनेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हम आपका एमएपीसी एमपीसीएल 007 का वाइवा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। जैसे ही हमें एग्जामिनर्स से कंसेंट मिल जाएगी, उनका टाइम मिल जाएगा, डेट समय जब मिल जाएंगी, तो आपका वाइवा एग्जामिनेशन भी हम लोग शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे। और इससे पहले दो चीजें मेरी तरफ पेंडिंग चल रही हैं। एक दो बैच को मैंने एसटीएम वाला प्रैक्टिकल करवा दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के बैच का छूट गया था, तो एक तो मुझे आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करना है और उसको, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं प्रैक्टिकल नोटबुक में। लिखने वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। और दूसरा दूसरी चीज जो बची हुई है वो है आप लोगों की नोटबुक, जो प्रैक्टिकल्स आपको लिखने हैं वो। इन दो चीजों के अलावा अगर और कोई चीज आप में से किसी स्टूडेंट को अगर कुछ डिस्कस करनी है तो शुरू के 4-5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि तब तक और किसी स्टूडेंट को अगर मीटिंग ज्वाइन करनी होगी तो देन वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर कोई क्वेरीज हैं तब तक तो आप पूछ लीजिए। यस प्लीज। यस मिस मिश्रा, प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, लाइक वी वर स्टक विद हाउ टू स्टार्ट इट, थोड़ा सा एम एंड ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन से। Everybody was stuck. Almost 10 of girls I know, those who are stuck and they have not even started. Like me also, I, you know that mera to haath ka thoda sa issue chal raha tha. Ji. So we have not started writing it. So agar second week of October mein sir file submit karke practicals honge Viva, to phir kaise hoga? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं इसमें, इसमें आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल की जो नोटबुक, जो आप प्रैक्टिकल्स लिखेंगे, 5 प्रैक्टिकल्स, हाँ जी सर, आपको वो नोटबुक पहले सबमिट नहीं करके जाना है रीजनल सेंटर पर। ओके। वो आप लोग अपने ही पास, देखिए आप वाइवा की तैयारी कहाँ से करेंगे? आप वाइवा की तैयारी अपनी नोटबुक में से ही तो करेंगे ना, जहां पर आपने प्रैक्टिकल्स लिखे हैं। ओके। तो आपकी प्रैक्टिकल, देखिए इंटर्नशिप की बात अलग है और प्रोजेक्ट की बात अलग होती है, उसमें भी लेकिन स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं। सेकंड ईयर में जब आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी और आपको आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, उसमें एक प्रावधान, उसमें एक प्रोविजन अलग होता है कि स्टूडेंट्स को पहले एक एक कॉपी रीजनल सेंटर पर जमा करनी होती है। वो क्यों? वो इसलिए ताकि आप लोगों के जो भी एग्जामिनर्स आएंगे बाहर से एग्जाम लेने के लिए, आप लोगों की रिपोर्ट्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑलरेडी उन लोगों के साथ शेयर की जा सके, ताकि वो आपका वाइवा लेने से पहले, जिस दिन वो वाइवा लेने आएंगे उससे पहले वो आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकें।
वो उसमें देख सकें कि आपने क्या डिज़ाइन यूज़ किया है, आपने कौन सा क्वेश्चनेयर यूज़ किया है, आपने कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं। तो इसलिए वो चीज़ें पहले से ही आप लोगों से हमारी यूनिवर्सिटी सबमिट करवाती है। लेकिन लेकिन जो प्रैक्टिकल की जो आपकी नोटबुक है, प्रैक्टिकल की नोटबुक आप लोगों से हम लोग पहले से ही रीजनल सेंटर पर सबमिट नहीं करवाएंगे, वो आपको प्रैक्टिकल वाइवा वाले दिन अपने साथ ही लेकर आनी है। और उसके पीछे छोटा सा कारण ये है कि जिन टीचर्स ने आपको प्रैक्टिकल्स कराए हैं उनको ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स पता है, उन्होंने आपको क्या क्या करवाया है, कैसे कैसे करवाया है। दूसरी बात यह है कि जो प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने के लिए बाहर से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो अपने सामने ही आपसे एक प्रैक्टिकल करवाकर, कंडक्ट करवाकर देखेंगे और आपका वाइवा एग्जाम भी वहीं पर लेंगे। तो इसलिए एडवांस में उनको आपकी नोटबुक ना लेने की जरूरत है, ना हम भेजते। तो ये आप निश्चिंत रहें, आप लोगों को पहले से ही तैयार करके लिख के जमा करवा के यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना है। आपको अपनी प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है वो आपको एग्जाम वाले दिन, वाइवा एग्जामिनेशन वाले दिन अपने साथ ही लेकर आनी है, ठीक है। दूसरी बात जो लिखने की बात है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए उस बारे में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेरी सर? वाइवा के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे तैयारी करनी है? वाइवा की भी तैयारी, जैसे आज मैंने आप लोगों के साथ ये ऑनलाइन सेशन प्लान किया है, जब आप अपनी नोटबुक तैयार कर लेंगे, जब आप अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक लिख लेंगे, पांचों प्रैक्टिकल्स, उसके बाद फिर एक दिन वाइवा से दो तीन दिन पहले मैं आप लोगों को आपका वाइवा की भी तैयारी इसी टाइप से ऑनलाइन आप लोगों को बुलाकर और करवा दूंगा, उसके बारे में भी आप निश्चिंत रहें। सिर्फ एक चीज, तब तक आप लोग एक चीज बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हैं ये आपके MPCL 001, 2, 3 और 4 से ही निकले हुए हैं। और आप लोगों को, चाहे आपने जून टर्म एंड एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं होगा, और वो आपको इन्हीं आठों प्रैक्टिकल्स के बारे में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आठों मतलब आठों, आप ये मत सोचिएगा कि पांच करने के लिए बोला, लिखने के लिए पांच बोला, कंडक्ट तो लेकिन आपने आठों की है ना, कंडक्शन आठों का है, और इन्हीं आठों की थ्योरी ही आप लोगों को आपके MPCL 001 से लेकर 4 में आपको अवेलेबल है, ऑलरेडी आपके पास है। तो जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के लिए आएंगे तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होगी कि थ्योरी तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखी है, क्योंकि थ्योरी से ही तो प्रैक्टिकल्स जनरेट होते हैं, थ्योरी से ही प्रैक्टिकल्स, थ्योरी से ही प्रैक्टिकल्स निकलते हैं। तो ये आप अपना तैयारी रखिए, वाइवा आपका तैयार ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप MPCL 1 से लेकर 4 तक आप रिलेटेड थ्योरीज पढ़ लेंगे, जो भी आपका स्टडी मेटल है जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका वाइवा की ऑटोमेटिकली खुद ही तैयारी हो जाएगी। जैसे इंटेलिजेंस वाला आपका भाटिया बैटरी है, जब आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ लेंगे तो आपका वाइवा अपने आप तैयार हो जाएगा। आपका 16 PF टेस्ट है, जब आप पर्सनैलिटी वाला अपना 003 पढ़ लेंगे, आपका अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका जो है पर्सनैलिटी वाला पार्ट भी, वाइवा आपका ऑटोमेटिकली खुद ही तैयार हो जाएगा। इसी टाइप से फैमिली पैथोलॉजी है, सोशियोमेट्री है, जब आप अपना सोशल साइकोलॉजी वाला थ्योरी पढ़ लेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली वाइवा की तैयारी हो जाएगी। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बस आप अपना थ्योरी जरूर साथ साथ पढ़ लीजिएगा, रिलेटेड थ्योरी जो भी है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, MPCL 001 से लेकर 4 के बीच में वो आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रैक्टिकल्स का आपको बैकग्राउंड वहीं मिलेगा। बैकग्राउंड मतलब ये प्रैक्टिकल कहाँ से जनरेट हुए, कहाँ से निकले हैं ये प्रैक्टिकल्स, तो बैकग्राउंड आपको तैयार करने के लिए MPCL 001 से लेकर 4 तक आपको अपना स्टडी मेटेरियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर, दिस इज नॉट रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल्स, एक्चुअली आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माय नेम, द सरनेम इन आधार एंड ऑल, सो आई वांट टू चेंज द सरनेम इन यूनिवर्सिटी एज वेल, सो डू आई हैव टू विजिट द RC और through mail it will be it आपको वैसे ईमेल से
आप ईमेल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक ईमेल रीजनल सेंटर पर डाल दीजिएगा। तो नेम चेंज के केस में जो भी आप लोगों से गजट नोटिफिकेशन वगैरह मांगा जाता है उसके बारे में आपको ईमेल से हमारा स्टाफ बता देगा। ठीक है सर। यस, एनी अदर क्वेरी और वी शुड प्रोसीड फर्दर? चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो एक बार पहले मैं आप लोगों को फिर से ब्रीफ कर देता हूं, हालांकि प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाना है ये आपकी हैंडबुक में भी दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल लिखने का एक जो पर्टिकुलर स्टाइल होता है वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर अपनी कर रहा हूं, तो प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट। आप मुझे बता दीजिएगा जब आपको स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाए। Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Visible. ठीक है, ये मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। आप लोगों को वैसे थोड़ा सा आइडिया है ऑलरेडी, लेकिन प्रैक्टिकल लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, तो वो मैं आप लोगों को एक ये मैंने आपके आगे एक पेज शो किया है। आपको इस तरीके का एक पेज आपको अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक में जो जो एक तरफ लाइन होते हैं और दूसरी तरफ ब्लैंक होते हैं वो आप पेजेस लीजिएगा, ताकि जो राइटिंग वाली जो साइड है उसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकें और जो ब्लैंक साइड है उस पर आप अपनी टेबल्स वगैरह बना सकें, जहां पर टेबल हैं या जैसे सोशियोमेट्री में जैसे सोशियोग्राम आप लोगों को बनाना होता है। तो ये अभी भी कुछ स्टूडेंट्स एंटर करने के लिए आ रहे हैं, बट आई एम सॉरी, अब मैं और किसी को अब मैं एंट्री नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब मेरी स्क्रीन पर ये स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है और मैंने 4 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन अभी 4:12 हो गए हैं। बट ये है कि मैं रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर कर दूंगा इसकी। तो स्क्रीन मुझे नहीं देख रही है, सॉरी सर। बाकियों को कुछ बाकी स्टूडेंट्स कंफर्म करेंगे प्लीज? सर दिख रही है। अनुपमा फुल स्क्रीन कर दोगे ना तो दिख जाएगा ऊपर से। ये मेरे पास फुल ही है, मैंने इसको पावर पॉइंट स्लाइड नहीं बनाया, मैंने इसको ये जेपीजी। सर वो अनुपमा मैम को बोल रहे हैं, वो अपनी वो उसके वहाँ पे अपनी सेटिंग में फुल स्क्रीन करेंगे तो उनको स्क्रीन दिख जाएगी आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि पेजेस जिन पर आप अपने प्रैक्टिकल्स लिखेंगे, ये तो आप लोगों को पता है 5 प्रैक्टिकल्स आपको लिखने हैं, और लूज शीट्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है जो एक तरफ से रूल्ड होती हैं, लाइनें खींची हुई होती हैं, और जो उसका बैक साइड होता है वो ब्लैंक होता है, कोरा होता है, सफ़ेद होता है। तो ये जो लाइन वाला जो रूल्ड साइड होगा इस पर आप लोगों को अपना मैटर लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, और इसके बैक में अगर कोई टेबल है तो टेबल बन जाएगी, अदरवाइज खाली रह जाएगा। जैसे एक आपके प्रैक्टिकल में सोशियोमेट्री वाले में जैसे सोशियोग्राम आपका बनेगा तो वो इधर लाइनों के ऊपर नहीं बनेगा, वो इसके बैक में जो प्लेन शीट होगी ब्लैंक होगा वहां पर आप उसको सोशियोग्राम को बना सकते हैं। तो इस तरीके का आप लूज शीट्स खरीद लीजिएगा मार्केट से, और उन्हीं का ही एक फाइल कवर भी आता है, टैग वो आपको दे देगा, टैग से आप अपने जितनी भी शीट्स आपकी बनेंगी उन सभी को ही आप वहां पर उसमें फिर टैग की हेल्प से बांध सकते हैं। So can we put the numbers on each of the sheets? Of course, yes, वो आपको लिखना पड़ेगा, पेज नंबरिंग डलेगी, वो तो जो इंडेक्स आगे बनेगा वो तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। Okay. ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको अपना प्रैक्टिकल कैसे लिखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर आपको पेज दिखाई दे रहा है इसमें लेफ्ट की तरफ से मार्जिन है, एक ये जो लाइन आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है ये वाली लाइन, ये लेफ्ट मार्जिन है। इज इट विजिबल आपको सबको, मार्जिन ये दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपका लेफ्ट मार्जिन होता है, थोड़ा सा ही स्पेस होता है, और इधर इधर आपको ज्यादा स्पेस मिलता है पूरा का पूरा मैटर, अपना पूरा टेक्स्ट लिखने के लिए। तो आप ऊपर से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप अपना प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखेंगे, अगर आपका पहला प्रैक्टिकल है तो सेकेंड है तो 2 हो जाएगा, थर्ड में 3 हो जाएगा, इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल नंबर आप सेंटर में लिखेंगे, और फिर उसके बाद अगली जो लाइन होगी यहाँ पर आप हाशिए के बाहर से, जो ये हाशिया है हाशिए के लेफ्ट बाहर से आप अपना टाइटल का हेडिंग लिखेंगे, आपका जो भी टाइटल है, और टाइटल आप आपकी जो हैंडबुक में जो टाइटल लिखे हुए हैं उन्हीं को ही आप यहाँ पर लिखिएगा।
जैसे अगर आपका वहां पर लिखा हुआ है इंटेलिजेंस टेस्टिंग ब्रैकेट में अगर भाटिया बैटरी लिखा हुआ है, तो एज इट इज वही वाला ही टाइटल आपको अपना यहाँ पर लिख देना होगा। तो मैं एक बार बस आपको ब्रीफ कर देता हूँ इनकी स्पेसिंग, ये कहाँ पर आपको प्लेस करने हैं हेडिंग्स, ये एक बार आप समझ लीजिएगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर रहेगा यहाँ पर, और फिर आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल जो आपकी हैंडबुक और प्रैक्टिकम में जो दिए हुए हैं, वही आपके हेडिंग्स यहाँ पर आपको अपने टाइटल्स लिखने होंगे पांचों प्रैक्टिकल्स के। उसके बाद एम है, एम अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एम आमतौर पर हम लोग जनरली शुरू करते हैं टू स्टडी द करके, टू स्टडी द पर्सनैलिटी, टू स्टडी द इंटेलिजेंस, इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर टू स्टडी द लिखकर डॉट 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 कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर आप अपने जो भी प्रैक्टिकल नंबर आपका है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर सेंटेंस बना लेंगे। उसके बाद सेकंड है हाइपोथेसिस, ये भी हाशिए के बाहर लेफ्ट से ही शुरू होगा, और हाइपोथेसिस जो है ये केवल तब बनेगा अगर आपका आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं। ये आपने 005 में पढ़ा होगा, आपका जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाला जो कोर्स है 005, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वो या तो एक्सपेरिमेंट होते हैं या टेस्ट होते हैं। और एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सपेरिमेंट में आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ रहा है उसको जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो हाइपोथेसिस जनरली एक्सपेरिमेंट्स में बनती है, आमतौर पर टेस्ट में हाइपोथेसिस नहीं बनती है। तो ये आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको हाइपोथेसिस का हेडिंग लिखना है, अदरवाइज ये हेडिंग आपको लिखना ही नहीं है प्रैक्टिकल में। एम के बाद सीधा अगली लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि हाइपोथेसिस लिख के उसके आपको आगे यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन देना है कि आपने हाइपोथेसिस क्यों नहीं बनाई। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट है तो आप हाइपोथेसिस का हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं हाइपोथेसिस की डेफिनेशन वगैरह में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 005 में आप ऑलरेडी ये सब डिटेल में रिसर्च मेथडोलॉजी वाले कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो हाइपोथेसिस यहाँ पर मैंने इसका लिखा है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे और यहाँ पर आप उसको बताएंगे कि भाई आप क्या हाइपोथिसाइज कर रहे हो, आप क्या गैस कर रहे हो, क्या आइडिया आप लगा रहे हो। अगर आप टेस्ट कर रहे हो, जैसे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स टेस्ट आपने यूज किया है, तो ऐसे केसेस में हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं तो ये हेडिंग छूट जाएगा, एम के बाद डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है कि हाइपोथेसिस आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये आपके एम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर हाइपोथेसिस बनेगी, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी। तो हाइपोथेसिस कंपल्सरी नहीं होगा। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और इंट्रोडक्शन का जो हेडिंग है वो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, और हाशिए के तुरंत साथ राइट हैंड साइड से आप यहाँ से आप अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी शुरू कर देंगे। और इंट्रोडक्शन में आप अपना उसका जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंस वाला कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस की आप यहां से इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब भूमिका बनाएंगे। यहां पर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, आपने अपने रीडर्स को आपने पहले तो बता दिया कि आपका ये पहला प्रैक्टिकल है और इसका टाइटल ये है। अब उसके बाद आप अपने रीडर्स को बता दिया कि इसमें आप क्या स्टडी करना चाहते हो, तो अब आप अपने रीडर्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी तो बताएंगे ना कि भाई इंटेलिजेंस क्या होता है, कितने टाइप की होती है, उसको कैसे मापते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है आप अपनी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन का हेडिंग तो सेंटर में आएगा, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ हाशिए के राइट हैंड साइड से शुरू होगी। आपकी शुरुआत यहीं से होगी। अगर आप टाइप्स, अगर आप हेडिंग वगैरह भी दे रहे हैं तो हेडिंग भी आपको हाशिए के साथ यहाँ राइट हैंड साइड से ही शुरू कर देनी है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, और इंट्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा पेजेस भरने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पेजेस। और उस चीज में आपको इंट्रोडक्शन जो है वो ब्रॉडर टू स्पेसिफिक तरीके से चलना है, जनरल टू स्पेसिफिक तरीके से चलना है।
शुरुआत आप ब्रॉडर से कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 फिर आपको अपने मेन टाइटल पे आना है, अपने मेन टॉपिक पर आना है जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। उसके बाद आप आगे अगले हेडिंग जो है हाशिए के लेफ्ट से बाहर से शुरू करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। उसके बाद मान लीजिए जैसे आपने भाटिया बैटरी आपने प्रैक्टिकल किया है या 16 PF किया है, तो अब आप यहाँ पर अपने उस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन देंगे जिसके ऊपर आपने अपना ये प्रैक्टिकल किया है। उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ये जो टेस्ट है ये किसने बनाया था, इसमें अलग अलग फैक्टर्स कौन कौन से मापे जा सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी कितनी है, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो आप अपने टेस्ट को, जो भी टेस्ट या जो भी स्केल, जो भी आपने टूल यूज़ किया है, उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर व्याख्या आप देंगे, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे, ताकि जो भी बाद में आपकी इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। देखिए ये प्रैक्टिकल कहने ये प्रैक्टिकल की रिपोर्ट है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी आपकी जो प्रैक्टिकल है ना ये रिपोर्ट है। तो बाद में जो भी कोई आपकी इस रिपोर्ट को पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने जो ये टूल यूज किया है इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, इसकी सब स्केल्स कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, इसकी रिलायबिलिटी कितनी बताई है उन्होंने, कितनी वैलिडिटी बताई है। तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर ब्रीफ में देंगे। तो आपको यहाँ पर अपना टेस्ट डिस्क्राइब करना है। यहां तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके गुड। उसके बाद टेस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका बन जाएगा मटेरियल्स रिक्वायर्ड। देखिए कोई भी प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल हम एक अपना घरेलू एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको घर पे कोई डिश बनानी है, कोई स्वीट डिश या कोई मान लीजिए कोई आप खाने के लिए घर पर कोई छोले भटूरे बनाना चाहते हैं, तो छोले भटूरे बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, वो जैसे आप यहाँ पर अब अपना रेसिपी अगर आप किसी को बताएंगे तो आप रेसिपी में यहाँ पर सारा का सारा बताते हैं कि छोले भटूरे बनाने के लिए टोटल इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल उसी टाइप से हमारा साइकोलॉजी में जब हम प्रैक्टिकल की रिपोर्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम भी पूरे के पूरे जितने भी मटेरियल्स हमने उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को करने के लिए जिनकी मटेरियल्स की मदद ली है हमने, जिन मटेरियल्स का सहारा लेकर हमने ये प्रैक्टिकल किया है, वो सारे के सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी होती हैं। वो बुकलेट भी हो सकती है, वो मैनुअल भी हो सकती है, वो स्कोरिंग की हो सकती है, पेपर पेन पेंसिल हो सकता है। तो जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, या जैसे भाटिया बैटरी में पूरे का पूरा बॉक्स है, तो जिन भी चीजों की आप लोगों की जरूरत पड़ी है उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को करने के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कोमा लगा लगा के आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट्स प्रोफाइल। सब्जेक्ट्स प्रोफाइल, अब अगर आपका एक ही सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश का टर्म है सब्जेक्ट, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, अगर आपने एक ही सब्जेक्ट पर किया है तो इस तरीके से आप लिखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, और अगर आपने दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना प्रैक्टिकल किया है तो प्लूरल लिखकर फिर बाद में उसके ऊपर आप छोटा वाला ये इन्वर्टेड जो अपोस्ट्रोफी है ये आप लगा देंगे। तो सब्जेक्ट्स प्रोफाइल, इसको आप पैराग्राफ फॉर्म में आप बताएंगे, जो आपका सब्जेक्ट था उसका उसकी एज क्या थी, वो बॉय था या गर्ल था, कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, रूरल था या अर्बन था। तो जो भी आपके इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट की प्रोफाइल से रिलेटेड, पैराग्राफ फॉर्म में आप वो सारी की सारी यहाँ पर देंगे। कई जगह पर मैंने देखा है कि वो हेडिंग बनाकर पॉइंट्स बनाकर लिख देते हैं, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स लिखिएगा। आमतौर पर हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, वो जस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लोग अपना प्रैक्टिकल करना सीख रहे हैं, तो अगर आप नाम भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली जब हम लार्ज स्केल पर कोई बड़ी रिसर्च करते हैं तो जो हमारे जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसके आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हम उसका रियल नेम यूज नहीं करते हैं, कोई डमी नेम, कोई दूसरा नाम हम आमतौर पर रख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये काल्पनिक नाम है। तो ये यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का प्रोफाइल पूरा का पूरा आपने किस पर किया है ये आपको यहाँ बताना पड़ता है। इसकी क्या जरूरत होती है? इसकी इसलिए जरूरत होती है ताकि अगर बाद में किसी को ये कंपेयर करना पड़े कि इन्होंने जो टेस्ट यूज किया है
कितनी एज के लोगों पर वो एप्लीकेबल था, स्टैंडर्डाइज किया था जिन्होंने भी ये टेस्ट बनाया था, तो क्या हमने उसी एज ग्रुप का कोई सब्जेक्ट लिया है या हमने कोई, ऐसा तो नहीं है किसी ने टेस्ट बनाया 15 से 20 साल के बच्चों के लिए और हमने उसको लगा दिया 35 साल के किसी अडल्ट आदमी के ऊपर? तो इस तरीके की चीजों को क्रॉस चेक करने के लिए भी इन इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी टेस्ट जिस एज ग्रुप के ऊपर स्टैंडर्डाइज किया गया है, नॉर्म्स डेवलप किए गए हैं, आपका सब्जेक्ट भी उसी प्रोफाइल का होना चाहिए। अगर कोई टेस्ट सिर्फ और सिर्फ बॉयज के ऊपर मान लीजिए किसी ने स्टैंडर्डाइज किया था, तो प्लीज उस टाइप के किसी भी टेस्ट को गर्ल्स के ऊपर आप अप्लाई मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसने स्टैंडर्डाइज किया था उसने गर्ल्स के ऊपर उसने उस टेस्ट को अब नहीं बनाया, स्टैंडर्डाइज नहीं किया, सिर्फ बॉयज की पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने उस टेस्ट को बनाया, स्टैंडर्डाइज किया, तो हमें केवल और केवल बॉयज के ऊपर ही उस टेस्ट को अप्लाई करना होता है। तो ये चीज प्लीज बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत माइन्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्रोफाइल के बाद आप लोगों का नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हेडिंग भी आप सेंटर में ही लिखेंगे पेज के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बीच में दिखाया है। ये आपका मेन हेडिंग है, जैसे इंट्रोडक्शन मेन हेडिंग था, ये भी आपका मेन हेडिंग है। और इंट्रोडक्शन में देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में सारी की सारी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। अगर आपका टॉपिक था, आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, इंटेलिजेंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे मापते हैं, उसके बाद आपने टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने भाटिया बैटरी यूज की, उसमें 5 अलग अलग टाइप के सब टेस्ट थे। मटेरियल में भी आपने मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया है, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की। फिर आपने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, आपने जिस सब्जेक्ट पर किया था उसकी एज क्या थी, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा था। तो इंट्रोडक्शन मतलब आपने पूरे के पूरे अपने उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाली थी, वो आपने यहाँ पर सारी की सारी चीजें इन हेडिंग्स में इंट्रोड्यूस कर दी हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। गुड। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कुछ पूछना हो? सर, टोटल पेजेस जो हमारे पर प्रैक्टिकल होंगे, लाइक जैसे भाटिया बैटरी है, 16 PF है, या सोशियोमेट्री और विनलैंड है, ये चार प्रैक्टिकल्स तो काफी लेंदी है एज कम्पेयर टू फैमिली पैथोलॉजी। तो डू वी हैव टू कीप इन माइंड लाइक सम काइंड ऑफ अ पेज लिमिट्स, लाइक 15 to 20 पेजेस होने चाहिए, या कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मोर? नो नो, प्लीज पेज लिमिट पर मत जाइए। आप लोगों को अपना पूरा का पूरा जो भी आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए आप यहां पर जो भी आप डाल सकते हैं, चाहे वो 10 पेजों में आए, चाहे वो 15 पेजों में आए, आपको पेज लेंथ नहीं मापनी है, पेजेस काउंट नहीं करने हैं, ठीक है? थैंक यू सर। यस, गुड, थैंक यू सो मच। तो ये इंट्रोडक्शन वाला हेडिंग है आपका, और इसमें आप सारी जो भी चीजें हैं उनको आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो आपने ये प्रैक्टिकल किया है, आपने उसके लिए क्या प्रोसीजर लिया और जो चीजें थी आपने उनको किस टाइप से एडमिनिस्टर किया है, वो आप यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन का एक हेडिंग आप डालेंगे, वो भी हाशिए के लेफ्ट में बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर आप पैराग्राफ फॉर्म में आप बताएंगे कि अपना प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले आपने किन किन चीजों की तैयारियां की। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट को लेबोरेटरी में बुलाने से पहले हमने उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को करने के लिए जो जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे आपने सारे के सारे पहले ही अरेंज करके रख लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने सब्जेक्ट को अंदर बुला लिया और फिर अब उसके सामने हम अलमीरा खोलकर और सामान बाहर निकालने लग जाएं, सेटिंग करने लग जाएं, चीजों को अरेंज करने लग जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले आपने अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है, उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट को अंदर बुलाना है लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने के लिए। तो आपने किन किन चीजों की तैयारियां की, तो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल्स आपने पूरा का पूरा तैयार कर लिया। अगर अगर रूम में अगर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन, पंखा, लाइट, पीने का पानी, उस तरीके की चीजें आपको जो तैयार करनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट को कंफर्टेबल बैठाने के लिए हमने बाकी सारी चीजों के रूम एटमॉस्फेयर का पूरा ध्यान रखा। तो इससे पता चल जाता है कि आप छोटी से छोटी चीज के लिए भी बहुत सेंसिटिव हैं, और आपको पता है कि इवन इवन छोटा सा अगर नॉइस भी अगर कहीं पर हो रहा है
तो वो नॉइस भी आपके सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस पर बैड इफेक्ट डाल सकता है। तो आपने उन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल किया, तो उनको कंट्रोल करने में जो भी रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस थी आपने पूरी की पूरी प्रिपरेशंस करने के बाद आपने फिर अपने सब्जेक्ट को लेबोरेटरी के अंदर बुलाया। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है प्रिपरेशन वाले हेडिंग के अंदर। उसके बाद फिर देखिएगा सीक्वेंस है, ये सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं अगर आप बहुत गहराई से चीजों को देखेंगे तो। उसके बाद जब आपने सारी की सारी प्रिकॉशंस के मद्देनजर आपने पूरी तैयारी कर ली, फिर आपने अपने सब्जेक्ट को लेबोरेटरी के अंदर बुला लिया, अब उसके बाद अगला काम आप क्या करते हैं, रेपो एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे कि प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हमने अपने सब्जेक्ट के साथ रेपो एस्टेब्लिश किया और उसको एक कंफर्टेबल लेवल पर हम लोग लेकर आए, और उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर हमारे सब्जेक्ट के माइंड में अगर कोई क्वेरी थी, कोई जिज्ञासा थी, तो हमने उसको सेटिस्फाई किया। तो इस तरीके से एक कंफर्टेबल लेवल पर हम अपने सब्जेक्ट को लेकर आए ताकि वो अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस दे सके और उसको किसी भी टाइप की कोई भी एंग्जाइटी या घबराहट वगैरह ना रहे। उसके बाद देखिएगा अगला हेडिंग है फिर इंस्ट्रक्शंस। जब आप रेपो एस्टेब्लिश कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि अब आपका जो प्रयोज्य आपका जो सब्जेक्ट है अब वो एक कंफर्टेबल जोन में आ गया है, तो अब फिर आप उसको आगे अपने प्रैक्टिकल के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और इंस्ट्रक्शंस जब आप यहां पर लिखते हैं तो इंस्ट्रक्शंस आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है, एज इट इज, जो भी आपके बुकलेट के ऊपर छपे हुए हैं या जो भी मैनुअल में दिए गए हैं आपको वही वाली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करनी होती हैं। इंस्ट्रक्शंस को हम हमारी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसने ये टेस्ट बनाया था उसने जो इंस्ट्रक्शंस प्रिस्क्राइब की हैं, इन्वर्टेड कॉमास में हम यहां पर लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को करने के लिए हमने सब्जेक्ट को निम्नलिखित निर्देश दिए, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कंडक्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल। तो कोई भी प्रैक्टिकल कंड करने से पहले आपने जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको आप आगे आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में, जहां से आपका इंस्ट्रक्शन शुरू होंगी इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा और जहां पर भी आपका इंस्ट्रक्शंस खत्म होंगी वहां पर आपका इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद प्रिकॉशंस को आप यहाँ पर पॉइंट्स में दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में हमने निम्नलिखित सावधानियां बरती। तो जो भी प्रिकॉशंस आपने यूज की हैं, जिन भी प्रिकॉशंस का आपने ध्यान रखा है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को कंडक्ट करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, जब आपने अपना प्रैक्टिकल कंडक्ट कर लिया उसके बाद सीक्वेंस में आगे क्या होगा, जब आपका काम खत्म हो गया तो फिर आपने अपने सब्जेक्ट को कहना है कि अब आप उसको एक शीट भी दे देंगे, एक एडिशनल पेज आप उसको देंगे और आप उसको कहेंगे कि आपको ये प्रैक्टिकल कैसा लगा, आप प्लीज इस प्रैक्टिकल के बारे में अपने व्यूज अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। तो वो जो भी अपना उस शीट के ऊपर जो आपने शीट अपने सब्जेक्ट को आपने दी है एडिशनल शीट एक्स्ट्रा शीट, तो वो जो भी लिखे या तो आप उस शीट को एज इट इज जहां पर ये हेडिंग आएगा इसके ऑपोजिट साइड पर जो पेज कोरा है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में, तो या तो आप इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट को वहां पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप यहां पर अच्छा तो यही रहेगा कि आप सब्जेक्ट की हैंडराइटिंग वाला वो जो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है उसको आप यों का यों ही पेस्ट कर दें, लेकिन अदरवाइज अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप पैराग्राफ फॉर्म में यहां पर आप उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट की इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट इज गिवन इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ्स, और उसके बाद फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमास में पैराग्राफ फॉर्म में आप अपने सब्जेक्ट की इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट को यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर देंगे। आपको उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कोई एडिशन डिलीशन कोई एडिटिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपने क्या प्रोसीजर लिया और कैसे कैसे आपने अपने उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया, ये सारी की सारी चीजें आपके इस हेडिंग में यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये क्लियर है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून, सब क्लियर है यहाँ तक? सर आई वांटेड टू चेक वन थिंग, जब हम लोगों ने फर्स्ट बैच में आपने जो हमसे डिस्कस किया था ऑलमोस्ट सर द मैचेस विद व्हाट यू हैव डिस्कस्ड, द ओनली थिंग इज कि उस टाइम पे हमने ये डिस्कशन नहीं की थी
कि जो हम लिख रहे हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए या पॉइंट्स में. फॉर एग्जाम्पल जो सब्जेक्ट प्रोफाइल है वो हम लोगों ने पॉइंट्स में लिख दिया है मेजरली. तो आई हैव रिटन 2 to 3 प्रैक्टिकल्स इन द सेम मैनर. शुड आई चेंज इट और इट कैन गो इन पॉइंट्स नाउ? ओके ओके. आप मुझे ये बताइए कि आज इस गूगल मीटिंग में, क्या आज इस गूगल मीटिंग में मेरे फर्स्ट बैच का और भी कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है? यस सर. तो इस बारे में आप में से कोई बताएगा कि सब्जेक्ट प्रोफाइल मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था? सर पैराग्राफ फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में हुआ था ये, है ना? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये चीज मैंने डे वन पर भी, आपका जो फर्स्ट बैच था, मैंने तब भी पैराग्राफ फॉर्म में ही मैंने बोली थी. लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नोटेड. देखिए अभी अभी जिस स्टूडेंट ने बोला कि देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने पैराग्राफ फॉर्म में ही बोली थी, बाकी स्टूडेंट्स ने इस चीज को रिपीट किया है. दूसरी बात, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर बोला है कि उन्होंने पॉइंट्स में लिख लिया है, तो अगर आपने लूज शीट इस्तेमाल की है तो सिर्फ आपको वो लूज शीट ही चेंज करनी है. आपको पूरे का पूरा प्रैक्टिकल दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सिंपल एक, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ लूज शीट्स, ताकि एक पेज, बीच का एक पेज, मान लीजिए पांचवें पेज पर आपका सब्जेक्ट प्रोफाइल आया था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पांचवा पेज रिप्लेस करना है, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इट इज योर डिसीजन. मैं इस बारे में अपनी तरफ से कोई आपको डिसीजन नहीं दे रहा हूँ. इट्स योर डिसीजन, आप कैसे आप इसको चेंज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, इट इज अप टू यू. थैंक यू, थैंक यू सो मच. यहाँ तक और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए प्लीज. सर सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन बताया था, तो उसमें इंट्रोडक्शन में कई पैराग्राफ्स आएंगे ना, तो जैसे 2-3 पेज का आपने बोला है होना जी, चाहिए जी, तो उसमें सब पैरा चेंज करते हुए फिर करेंगे ना उसको. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे 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 जब पैराग्राफ खत्म होगा नया पैराग्राफ बनेगा, हेडिंग्स जो आएंगे तो हेडिंग्स भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर अगर जैसे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आपको देना है तो हेडिंग भी आपको इधर से ही शुरू करना है. ठीक है, तो जैसे एक नॉर्मल बुक, जैसे किताब होती है कोई भी, आप ऐसे लिखते हैं, तो जो भी हेडिंग्स, जो भी पैराग्राफ बनेंगे आपको उसी टाइप से ही करना है. उसमें उसमें कुछ चेंज हमें हमारी तरफ से नहीं करना है, बस एक इंट्रोडक्शन लिख के बीच में फिर हम अपने हेडिंग्स बिल्कुल साइड पे देते हुए फिर कर लेंगे. बिल्कुल यस यस यस. सर एक बहुत बेसिक सी चीज पूछनी थी, मैं शायद सुनने में मिस कर गई, कि जो ये अपने जो सेपरेट पेपर्स बोले हैं A4 साइज, वो पंच पेपर होने चाहिए सर? पंच पेपर ठीक है? पंच पेपर कैसे पेपर होते हैं? पंच पेपर सर मैं दिखा देती हूँ, अभी मेरी स्क्रीन पर दिखेगा नहीं क्योंकि मेरी स्क्रीन पर ये मेरा स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है ना. ओके ओके सर. सर ये दोनों साइड ना बीच में वो होता है, मतलब पंच line. पंच के होते हैं. हाँ जी नहीं लाइन सर, पंच होंगे लाइन दोनों होंगे ना सर? सर रूल्ड एंड प्लेन्ड है दोनों साइड, लेकिन भी मतलब उसमें दो ऊपर नीचे होल होते हैं जिससे कि वो थ्रेड वगैरह डाल सके उसमें. बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो रहेगा रहेगा, तभी तो आप उसको टैग से बांध पाएंगे. ठीक है सर, पंच तो, पंच तो जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है सर. यस यहाँ तक और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए प्लीज. सर मुझे एक चीज पूछनी थी जी. ये इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? मतलब मुझे इन्वर्टेड कॉमास वाला समझ नहीं आया आपने क्या बताया था. इंस्ट्रक्शंस का हेडिंग शुरू करके आप एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं कि बिफोर बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट या टेस्ट जो भी है, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द सब्जेक्ट. एक ये लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फिर अगली लाइन से आप पैराग्राफ फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सारी के सारी इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दें. ये किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर दीजिए.
तो इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पर हेडिंग देके एक लाइन लिखते हैं कि इन दिस प्रैक्टिकल द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द सब्जेक्ट। उसके बाद फिर आप आगे अगली अगले अगले लाइन से आप इन्वर्टेड कॉमास में शुरू करके जो भी बुकलेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनका उत्तर हाँ या नहीं में देना है, कृपया कार्य को दिए गए निर्देशों के अनुसार जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करें, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड, थैंक यू सो मच। हेलो सर। यस प्लीज। सर मैंने डबल साइडेड प्रिंट शीट यूज कर लिए सर अपने प्रैक्टिकल में, तो मैं क्या करूँ सर? अभी अभी ये भी डिसीजन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप इसको एज इट इज चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए, इट इज अप टू यू। सर मेरा ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है जी। सर मैंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर में 17 ईयर और मेरा पार्टिसिपेंट है, तो सर जो आपने नॉर्म्स टेबल भेजा है वो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, तो सर मैं क्या करूं, चेंज करूं अपना पार्टिसिपेंट? नहीं नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन आप दोबारा पूछिएगा मेरे से थोड़ी देर में, ठीक है? ओके सर। यस, यहां तक कुछ पूछना है सर? आई हैड अ डाउट। यस प्लीज सर। इन द हेडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोफाइल सर, वी हैड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन आवरसेल्व्स, फॉर एग्जांपल 16 पीएफ, सो व्हाट शुड वी राइट ऑन दैट? कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपली आप अब देखिए, जब आपने इसको अपने ऊपर किया था आप उस समय पर एक्सपेरिमेंटर थे। यस सर। ठीक है, और आपने आपने एक सब्जेक्ट लिया, तो अभी आप यहाँ पर एज अपने आप को, फिर अब यहाँ पर आप अपने आप को एक सब्जेक्ट मानते हुए यहाँ पर आप अपना नेम, अपनी एज, अपना जेंडर, अपनी क्लास, अपना ऑक्यूपेशन, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख देंगे। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम नो सर, वी बीइंग द एक्सपेरिमेंटर एंड द सब्जेक्ट। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, आप ये तो समझ रहे होंगे कि पूरा का पूरा लॉजिकल तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपने सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बाकी सारी चीजें बता दी कि आपने क्या प्रोसीजर लिया, कैसे आपने एडमिनिस्ट्रेट किया। उसके बाद अब लास्ट में अगला हेडिंग आपका आ जाता है जो आप सेंटर में लिखेंगे, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। इसमें जब सारा काम आपने कर लिया तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने स्कोरिंग किस तरीके से की और अब आपका फाइनल स्कोर वगैरह क्या आया। तो ये सारी की सारी चीजें अब आप यहाँ पर हेडिंग में, यहाँ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन के हेडिंग में यहाँ पर दे देंगे। ये भी पैराग्राफ के फॉर्म में ही चलेगा सारा सब कुछ। उसके बाद डिस्कशन, इसमें अब आप जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपके पास डिस्कस करने की हैं वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर दे देंगे। कंक्लूजन सिर्फ एक या दो या तीन लाइनों का ज्यादा से ज्यादा बनेगा, क्योंकि कंक्लूड जब आप कर रहे हैं तो ये ज्यादा लेंदी नहीं होता है, कंक्लूजन बहुत शॉर्ट होता है, क्रिस्प होता है, टू दी पॉइंट होता है। और इसके बाद फिर एक हेडिंग जो आपके हैंडबुक में नहीं था, ये मैंने आप लोगों को ऐड करवाया था, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आप यहां पर जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है, अब एज ए साइकोलॉजिस्ट अब आप अपनी इन रिजल्ट्स को, अपनी इन फाइंडिंग्स को, जो भी आपको मिला स्कोरिंग करने के बाद, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली है अपने सब्जेक्ट की, अब आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के वेलफेयर के लिए, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हम लोगों का एज ए साइकोलॉजिस्ट यही होता है कि अब हमें हमारे सब्जेक्ट की हेल्प करनी है। क्या उसको किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, कोई थेरेपी की जरूरत है, किसी और टाइप की सपोर्ट की जरूरत है, या हम उसको कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं उसके करियर से रिलेटेड, उसकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, वो अगर पढ़ाई में स्लो है तो उसके एजुकेशन से रिलेटेड, क्या उसके पेरेंट्स के लिए कोई गाइडलाइंस आप इशू कर सकते हैं, क्या उसके सिबलिंग्स के लिए आप कोई अच्छी बातें बता सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं, अब आप अपनी इन रिजल्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे साइकोलॉजिकल तरीके से एज ए साइकोलॉजिस्ट, वो आपको यहाँ पर इन एप्लीकेशंस वाले इस हेडिंग में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और लास्ट में आपके हैंडबुक में दिया हुआ है रेफरेंसेस, ये हेडिंग रहेगा अगर आप रेफरेंसेस लिखना चाहते हैं तो। लेकिन मैंने इसको आमतौर पर मैं छुड़वा देता हूं स्टूडेंट्स के लिए कि अभी, क्योंकि आप लोग, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स बहुत सारे फर्स्ट टाइम ही
प्रैक्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, तो रेफरेंस लिखने का जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल टिपिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत स्पेसिफिक, बहुत साइंटिफिक तरीका होता है। उसमें कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ इटैलिक्स होगा, किसको हम अंडरलाइन करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। उसमें सरनेम पहले आएगा, अगर दो या दो से ज़्यादा ऑथर हैं तो कॉमा लगाकर या एंड लगाकर किस तरीके से हम उन दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर्स का नाम लिखेंगे, ईयर को ब्रैकेट में कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और गलत लिखने से अच्छा मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि हम ना लिखें, तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स का ये छुड़वाया है। लेकिन अगर आप में से कोई फिर भी कॉन्फिडेंट है कि आपको एपीए स्टाइल में रेफरेंस लिखना आता है, आ गया है, आपने सीख लिया है, समझ लिया है, तो अगर आप यहां पर रेफरेंसेस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मेरी तरफ से मनाही नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है। यहां तक अब किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज फिर मैं स्क्रीन को बंद करूंगा। पहले इस फॉर्मेट के बारे में, अगर ये अगर आपको क्लियर है तो स्क्रीन में बंद कर दूं, स्टॉप शेयरिंग कर दूं? ओके, राइट, गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, अब आप इससे रिलेटेड अपने सवाल पूछ सकते हैं मेरे से वन बाय वन। देखिए ये आपका हैंड रिटन ही रहेगा, नो टाइप्ड। ओके सर। सर एंड फॉर द रेफरेंसेस लाइक कैन वी यूज द मेंडली सॉफ्टवेयर एंड द प्रिंटेड फॉर्मेट फ्रॉम दैट एंड राइट इट? देखिए देखिए आप अपने रिस्क पर लिख लीजिएगा, अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो बाद में मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, लेकिन okay. आप लेकिन ये आपको खुद एंश्योर करना पड़ेगा, अगर आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो ये आपको खुद एंश्योर करना पड़ेगा कि वो एपीए स्टाइल में ही हो, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने उस चीज को क्रॉस चेक कर लिया और अगर उसमें कहीं पर उनको मिस्टेक मिल गई तो जो आप सोच रहे हैं कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा वो आपका गड़बड़ा भी सकता है, तो इट इज अप टू यू। ओके सर, थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट मिस नेहा गर्ग प्लीज, आपका हैंड रेज्ड है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक जो आपने बोला इंट्रोडक्शन जो है, जो भी स्टूडेंट्स प्रश्न पूछना चाह रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरा ऑन करके पूछें प्लीज। सर माय क्वेश्चन इज कि जो हम लिख रहे हैं इसमें इंट्रोडक्शन आपने बोला कि वो हेडिंग लेफ्ट सॉरी सेंटर में देनी है, like I started with my एक दो मैंने लिखे हैं तो उसमें मैंने introduction जो heading है वो left side में दे दिया like all other headings, so will it make a difference? Yeah, I can continue with that. देखिए ये भी मैं आपके ही ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने तो जो एक proper format होता है वो मैंने आपके साथ share किया है, तो please इस तरीके के decision में आप मेरा opinion ना लें। अगर आपने loose sheets पे बनाए हैं जैसा मैं हमेशा recommend करता हूँ तो आपको सिर्फ एक ही पेज दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो it is up to you. Okay, because बाकी सारी तो headings are followed as जैसे आपने बताया, just introduction वाला जो है heading, that's it. जी, बाकी जी, सब तो I followed exactly as you said. जी जी जी, please इस तरीके के decisions आप लोग खुद लेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझसे प्लीज इस तरीके के decisions मत निकलवाइए मेरे मुंह से. No problem. It is up to you, please. It is up to you. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, Jagriti Shukla, please. Sir, I was asking that as you said कि जो introduction वाला part है वो around 3 pages पे होना चाहिए, तो total practical approx like मतलब ending हमारा ही है decision, but approx कितना होना चाहिए complete करने के लिए for each practical? देखिए इस बारे में कोई भी एक रूल नहीं हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल हो सकता है 8 pages में खत्म हो जाए, कोई प्रैक्टिकल हो सकता है 12 pages में खत्म हो जाए, बट मैं आप लोगों से अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग दिस थिंग के प्लीज डू नॉट गो आफ्टर द काउंट ऑफ पेजेस, प्लीज डू नॉट गो आफ्टर द नंबर ऑफ पेजेस, प्लीज सी के आप उसमें क्वालिटी मटेरियल लिखें।
प्लीज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर मटेरियल, प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ पेजेस प्लीज. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. नवीन, नवीन पिल्लई. हाँ जी सर, सॉरी वो रेज हो गया गलती से हैंड. ओके ठीक है. मनीषा, मिस मनीषा प्लीज. सर मुझे पूछना था कि अगर हमारी प्रैक्टिकल नोट्स, कैमरा प्लीज, अगर आप कैमरा ऑन करके पूछेंगे. यस सर, यस सर, यस प्लीज. मुझे पूछना था कि अगर प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट हो जाती है तो हम उसे एकेडमिक काउंसलर से चेक कराने कब आ सकते हैं? ये आप अपने एकेडमिक काउंसलर से बात कर सकते हैं. सर क्लासेस आपने ही ली थी तो आई गेस आप ही एकेडमिक काउंसलर हैं. अच्छा ठीक है, ठीक है. तो प्रैक्टिकल जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा उससे 3-4 दिन पहले आ जाइएगा. एक दिन मैं आप लोगों को, जब आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उससे 3 या 4 दिन पहले मैं आप सभी को एक ईमेल डालकर बुला लूंगा, तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स एक दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर इकट्ठे ही आ जाइएगा. ठीक है? यस गुड. अच्छा एक अभी बीच में एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए आप सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर्स में क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं. देखिए मैंने जब मैं प्रैक्टिकल्स अपने स्टूडेंट्स को जब मैं प्रैक्टिकल्स करवा रहा था, मैंने उस समय पर भी आपको ये बोला था कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं हाउ टू कंडक्ट दी प्रैक्टिकल्स. मैंने बार बार ये चीज रिपीट की थी कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि फ्यूचर में फील्ड में आपको जब भी ये प्रैक्टिकल कंडक्ट करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट पर, तो आपको मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए. ये चीज मैंने आपको बार बार रिपीट की थी क्योंकि एज ए गुड साइकोलॉजिस्ट आपको हर चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है. छोटी से छोटी चीज भी आपके सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है. तो आज आप प्रैक्टिकल में, अगर आपने रमेश के ऊपर प्रैक्टिकल किया था और अगर आज आप प्रैक्टिकल नोटबुक में सुरेश लिख देंगे या संदीप लिख देंगे तो इट विल मेक नो डिफरेंस. इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप खुद मुझे सोचकर बताएं. आपने प्रैक्टिकल रमेश पे किया था लेकिन आपने हैंडबुक में जो है ना प्रदीप लिख दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपकी रिपोर्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा कोई? आपके इंटरप्रेशन पे, आपके रिजल्ट्स पे क्या कोई इफेक्ट पड़ जाएगा रमेश का सुरेश अगर आपने लिख दिया तो प्लीज इन चीजों आप इन चीजों को अपने माइंड में रखिए कि ये जो चीजें हैं ये आपको प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग है ये आपकी. एज ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, एज ए गुड साइकोलॉजिस्ट, किस किस तरीके से किन चीजों को हमें फील्ड में अप्लाई करना पड़ता है, आप लोगों का ये सारे का सारा वही ट्रेनिंग है. एक बार अगर आपने एक बेसिक चीजों का सीख लिया तो फिर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं आएगी. ठीक है? यस, संजय श्रीवास्तव के नाम से एक हैंड रेज्ड है. यस प्लीज. हाँ सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का आईडी मैंने यूज किया था इसलिए. ओके सर, ये इस तरह की जैसे शीट्स है तो जी. इनको सर लेफ्ट साइड वाला जो ब्लैंक वाला है, मतलब बिना रूल वाला, उस पे लगाना होगा ना सर? कैसे लगाएंगे इसको? बिल्कुल 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 बिल्कुल. यस, मतलब किसी उससे चिपका के, मतलब पेस्ट करके या कैसे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. ओके देखिए, जो भी फॉर्मेट्स हमने आपको दिए हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट्स, जो टेबल्स बनेंगी या जैसे सोशियोग्राम बनेगा, जो इस तरीके वाली चीजें हैं वो आपको जो बैक साइड है, ब्लैंक साइड है, कोरा पेज है, उस तरफ आपको चिपकाने हैं. लेकिन एक छोटी सी सेटिंग आप लोग ध्यान रखिएगा बस खाली, ताकि वो पढ़ने वाले को, देखिए जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं ना ये आप दूसरे लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं. तो जैसे जैसे मान लीजिए सोशियोमेट्री वाला प्रैक्टिकल आप लिख रहे हैं,
और राइट हैंड पर मान लीजिए आपके चौथे पेज पर मान लीजिए आपका ये आपका डिस्कशन चल रहा है कि भाई और हमने अपने इस प्रैक्टिकल में हमने जो है ये जो छह सब्जेक्ट्स हमारे थे उनकी जो चॉइसेस हमने मिली थी, हमने उनकी चॉइसेस के बेस पर सोशियोग्राम भी बनाया जिसको लेफ्ट हैंड साइड पर देखा जा सकता है। मान लीजिए ये टेक्स्ट आप लोगों ने लिखा है, ये टेक्स्ट आप लोगों का मैटर है और ये आपका आ रहा है चौथे पेज पर रूल्ड लाइनों पर, तो उसके ऑपोजिट क्या है? पेज नंबर 33 का बैक, पेज नंबर 3 का बैक ही है ना। तो अगर चौथे नंबर पेज पर, अगर चौथे नंबर पेज पर आपने ऐसा कोई सेंटेंस लिखा है कि आप सोशियोग्राम देख सकते हैं, तो वो सोशियोग्राम कहां होना चाहिए? पेज नंबर 3 के बैक पे होना चाहिए ना, ताकि किसी को पेज पलट के ना देखना पड़े। yes, ताकि किसी को ढूंढना ना पड़े कि कहां भाई इन्होंने लिख तो दिया सोशियोग्राम देखो, लेकिन अब उसको देखने के लिए कहां जाएं? तो वो पेज नंबर 1 के बैक पे नहीं होना चाहिए, पेज नंबर 2 के बैक पे नहीं होना चाहिए, या खुद उसी पेज नंबर 4 के बैक पे नहीं होना चाहिए, फिर उसको पेज पलट के देखना पड़ेगा। तो इस तरीके की छोटी सी ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये आप अपना माइंड खुद ही अप्लाई करिएगा कि अब यहां पर अगर मैं ये हेडिंग लिख रही हूं और इसमें मैंने टेबल के बारे में कोई बातचीत की है तो वो टेबल कहां बनेगी। तो यू ऑल आर मास्टर्स, आप सभी मास्टर लेवल के आप स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन अप्लाई योर ओन माइंड ऑन सम स्मॉल पेटी मैटर्स। ये छोटे छोटे इश्यूज आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यस, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सर डिस्कशन के लिए भी पूछना था कि डिस्कशन में मतलब वो कितना लंबा होना चाहिए सर, मतलब थोड़ा सा। जस्ट एक मिनट प्लीज होल्ड करिएगा, एक मिनट प्लीज। जी यस प्लीज, यस अब बताएं प्लीज। हाँ सर, डिस्कशन में आपने जो बताया कंक्लूजन के पहले, कंक्लूजन आपने बोला एक दो सेंटेंस में मतलब बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, डिस्कशन में सर वो कितना मतलब उसका वो होना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकल यू आर राइटिंग। अगर फैमिली पैथोलॉजी वाला लिख रहे हैं तो उसका डिस्कशन बहुत छोटा बनेगा, लेकिन अगर आप 16 PF लिख रहे हैं तो उसके तो 16 पैराग्राफ तो कम से कम बन जाएंगे। ओके सर, हर चीज को डिस्क्राइब मतलब करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सर। यस ऑफ कोर्स देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग। देखिए आपको अब यहां पर अपनी पूरी की पूरी एक्सपर्टीज उड़ेल देनी है कि आपने क्या सीखा है। आपको कुछ भी छुपा कर नहीं रखना है अपने पास। आपको देखिए यही तो आपको मौका मिला है ना अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का कि आपने कितना समझा है इस कॉन्सेप्ट को, आपने कितना समझा। यही तो ये रिपोर्ट आप क्यों लिख रहे हैं, ये रिपोर्ट आप क्यों बता रहे हैं किसी को, लिखकर क्यों दे रहे हैं आप ये रिपोर्ट, क्यों भेज रहे हैं किसी के पास आप ये रिपोर्ट बनाकर। आप इसमें यही तो दिखाना चाह रहे हैं ना कि आपकी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कितनी मास्टरी डेवलप हो गई है, आपने कितना गहराई से चीजों को पकड़ा है, आपने कितना गहराई से चीजों को समझा है ना। तो यही तो पर्पस है ना रिपोर्ट राइटिंग का यही तो पर्पस है कि आप उसमें दिखाना चाहते हैं हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आपने कितने अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो इसके लिए प्लीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए प्लीज आप सेंटेंसेस की सीमाओं में मत बंधिए, पेजेस की सीमाओं में मत बंधिए, और जितना भी आप अपना एक एक्सपर्ट मास्टर लेवल के स्टूडेंट के तौर पर एक 10वीं के बच्चे को कहा जाए रिपोर्ट लिखो, एक 12वीं के बच्चे को कहा जाए रिपोर्ट लिखो, एक BA के बच्चे को कहा जाए रिपोर्ट लिखो, और एक मास्टर्स लेवल के बच्चे को कहा जाए रिपोर्ट लिखो, तो आप समझ सकते हैं ना कि आपको अंतर मिलेगा। 10वीं के बच्चे की रिपोर्ट कैसी होगी, 12वीं वाले की कैसी रिपोर्ट होगी, BA के स्टूडेंट की कैसी रिपोर्ट होगी, और मास्टर लेवल के स्टूडेंट की
कैसी रिपोर्ट होनी चाहिए। ओके यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। ये लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा से करेंगे प्लीज एक्सप्लेन। लास्ट वाला अभी जो आप सर बता रहे थे लास्ट में, लास्ट वाला पॉइंट बस वही था कि अगर अगर जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि डिस्कशन हम कितना लेंदी लिखें, और कंक्लूजन मैंने बताया था कि कंक्लूजन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। तो एक स्टूडेंट का जवाब मेरे इस बारे में, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि कंक्लूजन तो छोटा होना चाहिए, डिस्कशन कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसमें मैंने बताया था कि डिस्कशन डिपेंड करेगा आप कौन से वाला प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। जैसे फैमिली पैथोलॉजी का तो डिस्कशन उतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनेगा, जितना लंबा चौड़ा आपका 16 पीएफ का बन जाएगा, क्योंकि उसमें आप 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो इट विल वेरी फ्रॉम प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल, इसमें कोई एक सिंगल रूल नहीं बन सकता है। ठीक है, यस नेक्स्ट नेहा गर्ग प्लीज। अगेन माय क्वेश्चन इज कि हमने जो भी क्वेश्चनेस भरे हैं और जो भी स्कोर शीट भरी है वो सब हम प्रैक्टिकल्स में लगाएंगे? ऑफ कोर्स यस, दोनों चीजें लगेंगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो भी आंसर लाइक बाडिया बैटरी में जैसे हमने एक टेबल फॉलो किया था, वो टेबल तो हमें मतलब उसको प्रैक्टिकल में लगाने की जरूरत है, वो रॉ स्कोर से स्टेन स्कोर करने के लिए? नहीं नहीं, वो नॉर्म्स टेबल है। देखिए आपको वो नहीं लगेंगे ना, आपको नॉर्म्स टेबल आपको नहीं लगाना है, आपको मैनुअल की कॉपी नहीं लगानी है। आप केवल वही वाली चीजों को एडिशनली बाहर से अटैच करेंगे जिनमें आपके सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे जैसे कंज्यूमेबल बुकलेट्स हैं आपकी फैमिली पैथोलॉजी स्केल वाली, या जैसे आपके सब्जेक्ट की इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है और स्कोर शीट रहेगी। यस 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 यस। तो नॉर्म्स टेबल आपको अटैच नहीं करनी है, मैनुअल्स आपको अटैच नहीं करने हैं, कोई जैसे कोई डिजाइन वाले कार्ड्स की अगर आपके पास फोटोस्टेट हो वो सब नहीं लगेंगी, वो सब नहीं लगेंगी। जो चीजें ये दिखाएं कि आपके सब्जेक्ट ने क्या क्या किया, सिर्फ वो चीजें हमें। यस यस राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस निधि श्री प्लीज, आपका हैंड रेज्ड है एंड इनके बाद फिर। यस सर, माय क्वेश्चन इज लाइक अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल्स, इफ वी हैव टू स्पीक टू यू इन पर्सन सर, कैन वी कम टू योर ऑफिस एंड टॉक टू यू, और सर शुड वी टेक प्रायर परमिशन, लाइक शुड वी मेल यू? देखिए अगर आप पहले से पूछकर आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मेरी हेडक्वार्टर पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो मुझे बीच बीच में इग्नू हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। सो जनरली सर, यूजुअली यू विल बी इन द रीजनल सेंटर? नहीं यूजुअली नहीं रहता हूँ मैं हमेशा यही रहता हूँ। बीच में इग्नो हेडक्वार्टर मीटिंग्स होती हैं तो फिर मुझे मीटिंग्स अटेंड करने के लिए हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, अदरवाइज दिस इज माय वर्क प्लेस। सर कैन आई कम एंड मीट यू ऑन 26th? नहीं, 26th मेरी इग्नो हेडक्वार्टर पर मीटिंग है। सर टुमारो? यस टुमारो आई एम अवेलेबल इन ऑफिस। सर एनी टाइम? हां यस यस। अभी अचानक से उस समय पर अगर और कोई विजिटर आए हुए होंगे तो हो सकता है आपको 10-20 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ जाए, प्लीज डोंट माइंड दैट। नो सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। मिस्टर पवन नमस्कार, नमस्कार। यस मिस्टर पवन प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर आप मेरे को मेल करने वाले थे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, मैंने आपको बोला भी था। जब एक्स्ट्रा क्लासेस जब शेड्यूल हो पाएंगी तभी तो मेल करूंगा ना। मुझे लगा आपने बैच बना दिया और मुझे बताया नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा।
अभी एक बैच जल्दी ही अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक शायद बनने जा रहा है सेकंड और थर्ड के, ठीक है? तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम। बस सर याद से कर देना, मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा एक बार। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट फॉर्मेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पवन अनम्यूट, आप म्यूट कर लीजिए वापस। यस प्लीज। यस तनुषा प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैमरा में मुझे 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 इंस्ट्रक्शन रिपीट करना पड़ रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूं ना, इसलिए। कोई बात नहीं। नेहा भी ट्रैवल कर रहे हैं वो भी, लेकिन अपना माइक और अपना कैमरा ऑन करते हैं। यस प्लीज। सो माय क्वेरी इज, जो मैंने किया है वो क्लिनिकल विद प्रोजेक्ट है, तो मुझे गाइड के लिए समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मेल करा, किसी का रिस्पांस बैक नहीं आया। अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अभी 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 आपने री रजिस्ट्रेशन अभी किया है ना? नहीं, री रजिस्ट्रेशन तो मैंने जुलाई में कर दिया था। जुलाई 2024 के लिए ही किया है ना? हाँ जी सर। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे ही री रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे तो उसके बाद फिर हम आपका एक अलग से सेशन बनाएंगे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के लिए। प्लीज वेट फॉर सम टाइम। सर लेकिन साइन अप सिर्फ 31 अक्टूबर तक हमें सबमिट करना है। हाँ, तो अभी अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी 24 नवंबर सितंबर चल रहा है अभी। सर एक और क्वेरी थी जी, इवैल्यूएशन अगर मैं करवाती हूँ तो कोई फायदा होगा? क्योंकि मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, जस्ट 02 सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बहुत कम है। देखिए अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, प्लीज इस तरीके के डिसीजन आप मुझसे मत लीजिए। इट इज टोटली पर्सनली योर पर्सनल डिसीजन, यू हैव टू डिसाइड बिकॉज यू नो हाउ वेल डिड यू परफॉर्म, सो इट इज बेटर दैट यू योर सेल्फ डिसाइड के आपको रिवेल्यूशन करवाना चाहिए या नहीं। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? हेलो सर। प्लीज सर, मैं तो पूछना था क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट में मैं पास नहीं हो पाया सर, तो क्या मैं दिसंबर में एग्जाम दे सकता हूँ क्या, और उसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर वही है जैसे आपने जून के लिए एग्जाम फॉर्म भरा था, अभी आजकल एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं, पेपर भर एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। लेकिन सर अभी सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए और क्या बताओ, और किसी में भी फेल हो जाऊं मैं ना पास कर पाऊं? तो फिर ऐसे केस में आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। तो सर उसकी लास्ट डेट कब तक रहेगी सर फॉर्म भरने के लिए? देखिए इस बारे में तो आप देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना आत्मनिर्भर भारत का बहुत जो है जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए। ये जो लास्ट डेट वगैरह है ना, अगर आप पोर्टल को एक सिंगल एक बार बस जस्ट क्लिक करेंगे ना तो ऊपर एक लाइन आ जाती है कि लास्ट डेट ये है। एक्चुअली सर लास्ट डेट एक्सटेंड होती रहती है, अभी पिछली बार मैंने सितंबर तक देखा था कि 1 सितंबर तक ये है, तो लेकिन अभी वो फिर से एक्सटेंड होगी, तो देखिए और तब तक रिजल्ट भी नहीं आया था सर। देखिए लास्ट डेट आपका रीजनल सेंटर एक्सटेंड नहीं करता है, यूनिवर्सिटी इग्नो हेडक्वार्टर एक्सटेंड करता है। नहीं सर, मैं अप्रोक्स कोई आइडिया हो तो है कि इतने दिन तक रहता है। आप इतने आइडिया तो आप खुद भी लगा सकते हैं ना, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे आइडिया तो आप भी लगा सकते हो। आपके आइडिया में और मेरे आइडिया में क्या है, दोनों ही गलत निकलेंगे या दोनों ही ठीक निकलेंगे? ये आइडिया तो आप लगा लो ना, मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आइडिया लगाने में? एक्चुअली सर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा इसलिए तो। नहीं, लास्ट डेट्स के बारे में देखिए, मेरा तो एक्सपीरियंस, मैं अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर हो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अभी कर दो, इमीडिएटली कर दो, अभी कर दो। जैसे ही री रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है हम तो उसी समय पर ईमेल डालना शुरू कर देते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कर लो। अब 1 मई से RR पोर्टल खुला था और 5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी इतनी सारी ईमेल्स के बावजूद भी RR अभी तक भी नहीं फॉर्म भरा हुआ है। तो नहीं सर, रजिस्ट्रेशन तो मैंने कर दिया सर।
अभी वो एग्जाम का भी रिजल्ट आया तो उसके कारण मैं पूछ रहा था। नहीं, मैं आरआर के बारे में, आपके आपके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल स्टूडेंट्स के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो आप ये चीजें है ना, ये चीजें प्लीज ऐसी ऐसी चीजों की डिसीजन मेकिंग में मुझे इन्वॉल्व मत करिए प्लीज, मैं ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इट इज टोटली योर डिसीजन। इफ यू वांट टू वेट, इफ यू वांट टू वेट यू कैन वेट, इफ यू डोंट वांट टू वेट यू शुड नॉट वेट। हाँ, ऐसी चीजों में प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी प्लीज। यस मिस मालिनी प्लीज। हेलो सर। सर एक्चुअली मैंने एक सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन भरी हुई है जिसमें मुझे लग रहा है कि मतलब हो सकता है मैं मुझे पास कर दे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब एग्जाम दो है जिनके लिए मुझे दिसंबर में अपीयर करना है, तो जिसमें मेरे को क्लियर है कि मेरे को अपीयर करना ही है वो मैं पहले भर दूं और दूसरे का बाद में भर सकती हूँ, या दोनों इकट्ठे ही भरने पड़ेंगे मुझे? देखिए हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना, ये छोटा सा एक रूल है, शायद ये एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे भी शायद ये लिखा हुआ है कि एग्जाम फॉर्म आपको एक ही बारी में भरना होता है। हाँ तो फिर सर मैं वेट कर लेती हूँ, जब रजिस्ट्रेशन ये रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा तभी फिर इकट्ठे ही भरूंगी दोनों को। जी 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 यस, इट डिपेंड्स ऑन यू। यस हाँ, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 15th अक्टूबर है, अभी रिवैल्यूएशन मैंने रिसेंटली भरा है सर। जी जी, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा था। जी जी यस सर, एक रिक्वेस्ट और करूँ? यस प्लीज सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, अगर आप ब्रीफ में थोड़ा सा बता दें एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं, ब्रीफ की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग का लिंक ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस प्लीज। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अभी तक का हमारा जो डिस्कशन था, फॉर्मेट वगैरह सब आपको क्लियर हो गया है, एंड अब आई विल ट्राई के मैं एक बार और कल एक सेशन और आप लोगों के लिए मैं शाम को लगा देता हूँ। उसमें मैं अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला करवाने के लिए अभी टाइम नहीं बचा है इतना, तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी का मैं प्रैक्टिकल कल करवाता हूँ ब्रीफ में, और एक प्रैक्टिकल मैं एक कोशिश करूँगा आपको एक डमी छोटा मोटा कुछ कैसे लिखना है वो थोड़ा बहुत फर्दर और इलेबोरेट मैं कर दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम ये प्रैक्टिकल्स लिखेंगे तो उसके अंदर ये रूल है कि एक शीट रूल्ड होनी चाहिए और उसके बैक में कुछ एम्प्टी होना चाहिए, या टोटली रूल्ड शीट्स वगैरह, मतलब जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं? देखिए प्रेफरेबली ये होता है कि एक साइड रूल्ड होना चाहिए और उसका बैक जो है वो ब्लैंक होना चाहिए। रूल्ड इसीलिए ताकि आप अपना टेक्स्ट लिख सकें, मैटर लिख सकें, और ब्लैंक इसलिए ताकि उसके पीछे अगर कोई आपको टेबल्स वगैरह बनानी हैं, ग्राफ वगैरह बनाने हैं, सोशियोग्राम वगैरह बनाना है, तो वो आप अच्छे से बना सकें। ठीक है सर, मैं उस हिसाब से ही फिर लिख दूंगी। जी यस 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 प्लीज। सो एनी अदर क्वेरी और वी कैन कॉल इट ए डे देन। सर एक चीज पूछनी थी, पेन हम कौन कौन से कलर का यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, पेन आप एक ही टाइप का ही रखिए, अलग अलग टाइप के पेन आप यूज मत करिए, और अगर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने ही हैं तो ब्लैक एंड ब्लू आप यूज कर लीजिए, लाल पीला काला हरा, ये ज़्यादा रंगीन मत बनाइएगा कॉपी को प्लीज, इट शुड नॉट बी टू मच कलरफुल। प्रोफेशनल आपकी जो नोटबुक है, आपकी आपके प्रैक्टिकल नोटबुक प्रोफेशनल लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स ने लिखी हुई है। ऐसा ऐसा इतना ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए कि लगे कि भाई 10th क्लास के किसी स्टूडेंट ने बनाई हुई है। ठीक है, तो मास्टर्स लेवल पर आकर अब आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन, ब्लैक इंक यूज़ कर लीजिए, और बाकी डिटेल्ड मैटर के लिए आप ब्लू यूज़ कर लीजिए, तो ब्लू एंड ब्लैक को ही रखिए, लेकिन बाकी हरा लाल पीला वो सब मत करिएगा। इट इज जस्ट माय एडवाइस, इट इज जस्ट माय थिंकिंग। ओके तो सर वन क्वेश्चन, सर विल वी बी गेटिंग अ रिकॉर्डिंग फॉर टुमारोस क्लास आल्सो, बिकॉज़ आई माइट नॉट बी एबल टू अटेंड इट टुमारो, कल यस 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 मीटिंग है, सो वी वुडंट बी। यस ऑफ कोर्स आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ टुमारो सेशन आल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर प्रैक्टिकल में हमें सोशल मैच्योरिटी स्केल के लिए लिखना है या सोशियोमेट्री लिखना है?
देखिए सोशल मैच्योरिटी वाला तो आपका विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल वो एक अलग प्रैक्टिकल है, और सोशियोग्राम जो है वो आपके सोशियोमेट्री वाले प्रैक्टिकल के अंदर है। तो कौन से, और दोनों में से कौन सा लिखना है हमें? 5 लिखने हैं। हाँ पहले 5। अच्छा फर्स्ट 5 लिखने हैं हमें। जी आपकी हैंडबुक में जो है वो पहले 5। सर वाइवा के लिए एक चीज पूछनी थी। जी सर, जैसे कुछ लोगों ने तो सारे एग्जाम दे रखे हैं, मुझे 4 पेपर सर देने हैं, मैंने सिर्फ 006 और 002 दिया था सर। पर्सनालिटी कॉग्निटिव ये सब सर है, तो इंट्रोडक्शन के शुरू के फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर्स ये कर लूं या प्रैक्टिकल से बिल्कुल रिलेटेड करके चैप्टर देख लूं, क्योंकि सारा तो सर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर आप उसमें सर्च करेंगे ना तो उसमें आपको, अगर अगर मान लीजिए कि आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाले में मान लीजिए आपके 4 कोर्स हैं और हर कोर्स में मान लीजिए 4-4 यूनिट हैं, जी तो टोटल हो गया 16 यूनिट्स एक एग्जांपल के तौर पर। जी ठीक है, तो लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल है वो है सिर्फ और सिर्फ भाटिया बैटरी। हाँ जी, तो आपको भाटिया बैटरी के बारे में अगर आपको उसमें मिल जाता है तो आपको उसमें से स्टडी कर लेना है। यस, अदरवाइज फिर आपको जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सिर्फ जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड यूनिट्स हैं केवल और केवल उन्हीं को ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस प्लीज, थैंक यू। So, if there is no more questions, then sir. Yes, please. Sir, family pathology scale में कोई time limit तो नहीं है ना? नहीं, time limit नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज को follow करते हैं कि subject जो है किसी एक ही question पर ज्यादा देर तक ना रुके। तो actually इसमें जैसे सर पूछा हुआ है description of the test में कि time limit कितना use किया, तो हम test के लिए फिर क्या time conduct करें? कहाँ पर पूछा हुआ है? सर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट जो हम लिख रहे हैं इसमें, जैसे ऑथर कौन है इसके, और उसमें टाइम लिमिट का भी एक ऑप्शन है, नहीं, तो हम उसमें कुछ मेंशन करें? नहीं, ये कहां, कौन सा, कहां से लिया है ये आपने फॉर्मेट? सर जो आपने दिया है फॉर्मेट उसी में है। नहीं, मैंने उसमें, मैंने अलग से तो ये नहीं बोला कि आपको उसमें टाइम लिमिट लिखनी है। सर उसमें 5 पॉइंट्स करके है ना, और सर बुकलेट में भी मेंशन है इसमें। टाइम लिमिट के बारे में तो मैंने कुछ ऐसा कोई हेडिंग नहीं बोला है। सर एक सेकेंड। सर जैसे भाटिया बैटरी में तो टाइम दिया हुआ 2 मिनट्स और 3 मिनट्स वाला फॉलोइंग उसके लिए, और 15 PF में भी था। देखिए सर इसमें जो फैमिली पैथोलॉजी में नेहा नहीं था। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी 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 बात सुनिए, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी टेस्ट बनाने वाले व्यक्ति ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है टाइम लिमिट तो वो आपको वहां पर लिखनी है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्केल बनाते हुए, अपना टेस्ट बनाते हुए अगर किसी ने एग्जैक्ट टाइम लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब की हुई तो आपको नहीं लिखनी है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर। I hope there are no more queries, no more questions. और अब आप लिखना शुरू कर दीजिएगा थोड़ा 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 करके, अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और फिर भी एक बार कल और थोड़ा सा मैं आपको STM वाला प्रैक्टिकल, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला थोड़ा सा समझा के एक प्रैक्टिकल डमी प्रैक्टिकल एक कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा मैं और समझा दूं। सर सेम टाइम टुमारो? Yes, same time, same time, same link. Link okay, sir. Thank you. Link भी यही रहेगा, time भी यही रहेगा. Okay, sir. So, okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks. See you tomorrow. आप तब तक आप अपना थोड़ा और पढ़ लीजिएगा practical को, handbook को. आपकी handbook में सब कुछ दिया हुआ है. Yes, sir. उसको पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए. Right. और आपको फिर भी कोई डाउट आएगा तो कल आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ओके, गुड डे सर। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच।